भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व यानी कि ग्राम पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। उसी सिलसिले बार जो हम जानकारियां कर रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं सुल्तानगंज ब्लॉक के ग्राम किनावर में। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम संवाद करेंगे और जानेंगे कि गांव की क्या समस्याएं रही, कितनी समस्याएं दूर हुई और जो तमाम प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि जीत कर आने के बाद ये कराएंगे तमाम कामों को लेकर, उनसे हम बात करते हैं, संवाद करते हैं। सीएस जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, 5 साल में जो अभी मौजूदा प्रधान नहीं रेखा, कुछ काम उन्होंने कराए हैं, सराहनीय कार्य कराए हैं, जो कुछ काम नहीं करा पाए वो कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ, एक दो काम छूट गए हैं, बाकी सब काम अच्छी तरह से उन्होंने करवाए। कौन से काम छूट गए, काम बताइए। अब जैसे किनावर से हरचंदपुर तक जो सड़क है, कच्चा मार्ग है, वो रह गया, वो एक रह गया, और तो ज्यादातर काम इन्होंने सब करवाए। बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम लाल आराम। आप क्या करते हैं? खेती। खेती करते हैं। किसानों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो आप हमारे थ्रू पहुंचाना चाहेंगे? हमें साहब सबसे ज्यादा गाय जो ढीली फिरती हैं, हमें नुकसान है उनसे, कोई लाभ नहीं। हम फसल खरीदी करें, तारे चाहते हैं, बल्ला लगाता है, लेकिन नुकसान भी हमारा बहुत होता है। नीलगाय बहुत परेशान करती है, फसल सब नष्ट कर देती है। हम लोग कहाँ लुपा पड़े हैं, बैठे हैं, कहाँ रखा है? किसान के लिए बहुत समस्या है। अच्छा, एक सड़कों की तमाम समस्याएं सामने आ रही है, सड़कों की समस्याएं हैं, सरंजा गली खरंजे ग्राम पंचायत के द्वारा दुरुस्त हुए हैं या नहीं हो पाए हैं, तो किससे आप उम्मीद करते हैं, कौन सही कराएगा? पांच साल के कार्यकाल में उन्हें ठीक ठाक रहा तो लग रहा है कि आगे भी ठीक ठाक रहा, बहुत बढ़िया। सबसे अन्य प्रधान और जनता सपोर्ट करती है अच्छी तरह। चलिए, जनता जीतू प्रधान जी को सपोर्ट कर रही है। आप युवा हैं, आपका नाम क्या है? शाह मोहम्मद जी। जो अभी मौजूदा प्रधान है ग्राम पंचायत की, कुछ कार्य विकास कार्य जो कराए हैं, कुछ उनसे आपको लग रहा है कुछ रह गया है करना बाकी? शायद थोड़ा बहुत अगर रह गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो भी कराया है बहुत ही बेहतर कराया, और आगे भी बेहतर ही कराएंगे। दावे हैं, वादे हैं तमाम हर तरीके के, और उनसे बात कर रहे हैं। आपका अजय कुमार जी, महिलाएं अभी भी खुले में शौच जा रही, शौच के लिए जा रही है। ODF आपका गांव हो चुका है, वो शौचालय वगैरह बनने के लिए रह गए हैं, और बनवाएगा तो कौन बनवाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी जीतू जी की आपको उम्मीद है कि बनवाएंगे वो? लोग संतुष्ट हैं प्रधानी जी 5 साल के कार्यकाल से, और वो दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि आने वाले मौजूदा टाइम में जो यहाँ से प्रत्याशी है जितेंद्र, उनकी पत्नी रेखा खड़ी हुई है, वो अच्छा कार्य कराएंगे। देखते रहिए।